गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको दिखा, ये देख सकते हैं, ये देखो गाइज, मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप देख सकते हैं ये सामने जो खेत हैं, ये हमारे ही गांव के लोगों का है। तो इन्होंने ना सेब के बगीचे के ऊपर ये नेट, जो जालियाँ हैं ये डाली होती है ओलों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सर्दियों में इन जालियों को हटा देते हैं क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है, इसलिए अगर स्नोफॉल के टाइम पे जालियों को रखते हैं तो वो पेड़ को तोड़ देती हैं। तो इसलिए देख सकते हैं आप, अभी प्रोसेसिंग में काम चल रहा है इनका, ये जालियाँ उतारने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी अभी आपको जालियाँ दिख रही है, शाम तक ये जालियाँ बिल्कुल नहीं दिखेगी और मेरे बैकग्राउंड में भी नहीं दिखेगी। अब ये देखो गाइस, सेब उड़ान खत्म हो चुका है और इसके बाद कितना सूदा सूदा लग रहा है। तो गाइस आज मौसम बहुत ख़राब है, लगता है बारिश होने वाली है। तो देखते हैं, ठंड भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है, तो अभी मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ, नहाती हूँ, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है इसके बाद। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये बहुत रिग्रेस प्रोसेस है इसको निकालने का और इसको वापस से नेक्स्ट डे लगाने का। तो मैं जाती हूँ नहाने। गाइस मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आज मुझे बहुत थकान हो रही है। तो आज मैं करूँगी रेस्ट पूरा दिन और देखते हैं, अगर मेरा आज कहीं जाने का प्लान हुआ तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो गाइस कुछ टाइम के बाद आप सामने वाले खेत से पूरी जालियाँ उतर चुकी हैं, ये देखिए अब आपको बिल्कुल जाली नज़र नहीं आएगी। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय बनाने के बाद हम जाएंगे खेत क्योंकि आज ही सेब तोड़ान चला है और आज गोल्डन सेब तोड़ रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ चाय लेके खेत। तो गाइस ये अभी चाय बन रही है। तो गाइस मेरी चाय ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है, इसको डालते हैं इस थर्मस में। दीपा, दीपा, हेलो दीपा, इधर देखो ना, इधर इधर दीपा, एक्सप्रेशन कैसे देती है ये। तो गाइस खेत में चाय पीने का मजा ही अलग आता है, अगर आपने कभी पी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो क्या रे, भिंडी बनाउनु हैन सब्जी? हाँ नेपाली गाना लगाइ देऊ त, डान्स गरेका। अच्छा दीपिका, दीपा, दीपा, डान्स गरौ रे। देख सकते हैं आप, अभी हो रहा है गोल्डन सेबों का तुड़ान और देख सकते हैं ये जो सेब गिर जाते हैं उनकी हमने बोरियां भर दी है, अब इनको HPMC ले जाया जाएगा। तो गाइज अभी भी लग जाएंगे 2-3 दिन ये सब काम करने के लिए, क्योंकि अगर सेब ऐसे बड़े बड़े खेत में रहेंगे तो वेस्ट हो जाएंगे, अच्छा इनको तोड़ के मार्केट ले जाना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो देख सकते हैं गाइज ये छोटा जो बच्चा है आप देख रहे हो, इसका नाम दीपा है और ये बहुत ही क्यूट बच्चा है गाइज। जब ये छोटी थी, ये लड़की है गाइज, इतनी क्यूट सी, जब ये छोटी थी तो बहुत रोया करती थी, लेकिन अब बड़ी होगी है काफी, बहुत टाइम के बाद मुझे मिल रही है। दीपा इधर देख ले, गाइज आप देख सकते हो ये जो दीपा है ये मस्त अपना आराम से खेल रही है और उसकी मम्मी सेब तोड़ रही है। तो गाइस देख सकते हो ये गोल्डन सेब अभी पेड़ों में बाकी बचे हैं, ये देख सकते हैं आप। और आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिन में धूप नहीं लग रही है और ये देख सकते हैं जो सेब गिरे हैं ये भी उठाने हैं अभी, ये देख।
हेलो गाइस, तो ये था आज का दिन। जैसे कि आपने देखा कि आज भी एप्पल तुड़ान चल रहा था, क्योंकि अभी गोल्डन वैरायटी के जो भी एप्पल्स हैं वो अभी तोड़ने को बाकी बचे हैं, और ही साथ ही साथ जो सेब पेड़ों से गिर के झड़ जाता था उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है बोरी में भर के, उसको भी HPMC भेजा जाता है ताकि झड़े हुए सेब वेस्ट ना हो, उनका भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, तो उसको भी हम बोरी में भर के सेल करते हैं। तो गाइज़ ये था आज का दिन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट व्लॉग था गाइज़, आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी और आने वाली वीडियो भी देखना प्लीज़। तो गाइज़ अभी 2-4 दिन तक यही काम चलता रहेगा, मैं आपको बताती रहूँगी क्या चल रहा है नया यहाँ पे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।